जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। जयपुर में मौजूद रहेंगे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। राजस्थान से दिल्ली तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जयपुर में मौजूद रहेंगे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। राजस्थान से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी जयपुर से, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए राजस्थान में भी वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी, और इससे पहले भी जो तस्वीर सामने आई थी उसमें ये देखा गया था कि जब वंदे भारत का ड्राई रन चल रहा था, और अभी ये वही तस्वीर है, पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान से दिल्ली तक वंदे भारत दौड़ेगी, राजस्थान में भी वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, देखिए राजस्थान में भी अब वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे, कितने बजे? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को, आज ही का दिन है, सुबह 11 बजे है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली से लाइव सीधा हरी झंडी दिखाएंगे। और इस दौरान यहाँ पर अश्विन वैष्णव जो रेल मंत्री, वो मौजूद रहेंगे। और देखिए इससे पहले ट्रायल हुआ था कृष्ण, क्या समय रहेगा जब ये दिल्ली से राजस्थान और राजस्थान से दिल्ली ये ट्रेन दौड़ेगी, क्या समय निर्धारित किया गया है इसका? देखिए राजस्थान से अजमेर है, अजमेर से ये ट्रेन जो है सुबह के वक्त 6:20 पे चलेगी, रवाना होगी, और ये 11 स्टेशन होंगे, और जो लास्ट है वो दिल्ली स्टेशन पर रुकेगी, जो हर स्टॉप पर 2-2 मिनट का स्टॉपेज मिलेगा। खासतौर पर जो एक स्टॉपेज है वो है जयपुर में, ये 5 मिनट का स्टॉपेज मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों को एक नई सौगात दी जा रही है, और ये जो ट्रेन ऐसी है जिसकी रफ्तार भी तेज है, 5 घंटे 15 मिनट का समय लेगी राजस्थान से दिल्ली पहुंचने में। बिल्कुल कृष्ण, देखिए समय की बचत होगी, जो आम जनता है वो भी काफी खुश नजर आ रही है। कुल कितना समय लगेगा अब इस ट्रेन से दिल्ली से जयपुर पहुंचने में और जयपुर से दिल्ली? पूरा समय जो हमने आपको बताया कि 5 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, और इस रूट पे एक और ट्रेन आती है, वो है एक और एक्सप्रेस है, जो कुल मिलाकर समय लगाती 6 घंटा 15 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि पहली ट्रेन होगी जो सबसे तेज सुपरफास्ट होगी, बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी, इसकी रफ्तार भी 150 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। चलिए शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी साझा करने के लिए।